सिरमौर जिला के हजारों किसानों बागवानों की एक बड़ी मांग जल्द पूरी होने वाली है। सरकार जल्द ही फल व सब्जी मंडी नाहन में कोल्ड स्टोरेज रूम बनाएगी। कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष बलदेव भंडारी ने सब्जी मंडी नाहन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व की सरकार को सब्जी मंडियों की खस्ता हालत के लिए जिम्मेवार ठहराया। हिमाचल कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष बलदेव भंडारी ने फल व सब्जी मंडी नाहन का दौरा किया। हाल में जयराम सरकार में कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष बने बलदेव भंडारी ने कहा कि प्रदेश भर में अधिकतर सब्जी मंडियों की हालत ठीक नहीं है। उन्होंने सब्जी मंडियों की हालत के लिए पूर्व की कांग्रेस सरकार को जिम्मेवार ठहराया। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने सब्जी मंडियां तो खोल दी, लेकिन उसके बाद सरकार इसकी सुध लेना भूल गई है। भंडारी ने माना कि किसानों को आज भी उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण उत्पाद व उपभोक्ता के बीच बहुत बड़ा अंतर है। किसानों और उपभोक्ताओं के बीच के अंतर को कम करने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार प्रयासरत हैं। केंद्र सरकार ने किसानों को उचित मूल्य उपलब्ध कराने के लिए ई नेम प्रणाली शुरू की है, जिससे किसान घर बैठे अपने उत्पाद का मूल्य जान सकता है। इसके अलावा उन्होंने हिमाचल की सभी मंडियों की दशा सुधारने की बात भी कही। नान मंडी का मैं निरीक्षण कर रहा हूँ, देखने में आ रहा है कि हमारी सारी उप मंडियों का हालात ठीक नहीं है। एक बार बन गई, स्टार्ट होगी, उसके बाद किसी भी, आज तक जो हमारी पिछली सरकार थी उसने कभी इनकी सुध नहीं ली। मुझे देख के बड़ा अफसोस होता है कि 15-15 साल हो गए हैं मंडियों को बने, चालू हुए, लेकिन एक बार उनकी वाइट वॉश तक भी नहीं की गई, टूट फूट की मरम्मत नहीं की गई। मैं इस मंडी में भी आज देख रहा हूँ कि काफ़ी काम होना यहाँ की गुंजाइश है। जो जो भी आज यहाँ के हमारे जितने भी आढ़ती लोग हैं और बाकी हमारे किसान लोग हैं, जो जो भी इन्होंने हमको यहाँ पर दिक्कतें बताई है और मैं खुद भी देख रहा हूँ, उसके लिए इसका 30 लाख का प्राकलन हमारे को भेजा गया है प्रदेश को। उसको जल्दी ही, जैसे हमारी बोर्ड मीटिंग उसकी स्वीकृति दे दी जाएगी, उसके साथ ही हमारे यहाँ आढ़ती लोगों ने डिमांड रखी है कि यहाँ एक कोल्ड रूम की स्थापना की जाए, पानी की समस्या है दूर की जाए। उसके लिए भी मैं सभी आढ़ती लोगों को और मंडी के लोगों को आश्वासन देता हूँ कि कोल्ड रूम का जल्दी यहाँ निर्माण कर दिया जाएगा और हैंडपंप भी यहाँ स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही मैं यह कहना है कि जो हमारा किसान है और किसानों की जो उपज है, अभी भी हमारे हिंदुस्तान में, हमारे प्रदेश में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। किसान उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में बहुत बड़ा अभी गैप है, बहुत बड़ा अंतर है। आने वाले समय में हमारी केंद्र की सरकार भी और प्रदेश की सरकार भी ये प्रयास करेगी कि उस अंतर को कम किया जाए। कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष व भाजपा किसान मोर्चा के राज्य अध्यक्ष बलदेव भंडारी जल्द सब्जी मंडियों की हालत सुधारने का दावा कर रहे हैं। देखना होगा कि इनके दावे जमीनी स्तर पर कब तक लागू होते हैं। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।